हेलो गाइस, वेलकम टू द जीमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हावी स्टार्क के बारे में। आप सभी जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हावी स्टार्क सबसे पुराना कैरेक्टर है। 2011 में आई कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में हावी स्टार्क कैप्टन अमेरिका के साथ दिखे, जो कि टोनी स्टार्क के फादर है। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी इन्वेंशन करी, जिसमें कि सबसे बड़ी इन्वेंशन थी उनकी कैप्टन अमेरिका का सीरम बनाना और कैप्टन अमेरिका को बनाना, यानी कि उनको ग्रो करना, जो कि उन्होंने एक डॉक्टर के साथ मिलकर ये काम करा। उसके साथ उन्होंने उनकी शील्ड बनाई और उनके काफी सारे डिजाइन बनाए कॉस्ट्यूम के, तो सब कुछ हावी स्टार्क का दिया हुआ है। और देन हावी स्टार्क की सबसे बड़ी इन्वेंशन थी जो उन्होंने आयरन मैन 2 में एक वीडियो के दौरान बोला कि टोनी तुम मेरी सबसे बड़ी इन्वेंशन हो। और फाइनली बीच में उनकी डेथ हो गई और देन उनकी बीवी भी मारी गई। और आपको पता है कि ये इवेंट कैसे हुआ था और विंटर सोल्जर ने ये सब करा। बट आज का काफी कमाल का अपडेट, हावी स्टार्क रिटर्न हो रहे एवेंजर 4 में, जो कि अभी हाल ही में न्यूज आई है और अपडेट आए हैं। हावी स्टार्क का रिटर्न होना एवेंजर 4 में काफी चौंकाने वाला सीन होगा। और देन सबसे बड़ा सरप्राइज होगा टोनी के लिए, जब टाइम ट्रेवलिंग होगी, हावी स्टार्क रिटर्न होंगे तो टोनी 100% हावी स्टार्क से मिलेगा, यानी कि अपने फादर से। और देन ये सीन काफी देखने लायक होगा। और देन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीन इतना अच्छा होगा कि काफी फैंस तो इस सीन को इमोशनली मतलब रोने लगेंगे, मेरे हिसाब से जो रियल फैन होंगे। तो ये सीन टोनी के लिए सबसे बेस्ट सीन हो सकता है एवेंजर 4 में, क्योंकि चेंज ऑफ द मूवमेंट हो सकता है पूरी एवेंजर 4 के लिए। तो गाइस, ये था वो कमाल का अपडेट। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर रेड स्कल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।